हे गाइस वेलकम टू गर्ल गैटर चलिए तो आज फिर से मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ दैट इज़ लिस्ट ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स देयर फाउंडेशन ईयर एंड हेड क्वार्टर्स मींस हमारे यहाँ पर इंडिया में जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वे कब फाउंड हुए मीन्स कब उनकी स्थापना हुई और उनके हेड क्वार्टर्स कहाँ कहाँ पर है और कितने हमारे यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक प्रजेंट है हाल ही में ये एक स्टेटिक जी का भी पार्ट है ये बहुत ही कम चेंज होते हैं अब तो प्राइवेटाइजेशन भी रहे हैं बैंक्स का तो अभी ये चेंज हो सकती भी है और नहीं भी हो सकती आई डोंट नो अबाउट इट अगर चेंज होगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी इसके बारे में भी और शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देना चाहती हूं कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एस टी डॉट मी गोल गैटर ए टू जेड सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक सो so, आप ये देख सकते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस और यहाँ पे डेटा दे रखा है मैं आपको एग्जैक्ट डेटा देने के लिए इस वेबसाइट पे जा रही हूँ यहाँ पे टोटल ट्वेल्व बैंक्स जो हैं अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और मैं एक एक करके सबके हेड क्वार्टर्स फाउंडेशन ईयर्स के बारे में आपको बताऊंगी फर्स्ट बैंक जो है ये है बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इस ये कहाँ पे है बड़ोदरा गुजरात में है वडोदरा गुजरात में क्या है बैंक ऑफ बड़ौदा है इसके हेडक्वाटर कहाँ पे है वडोदरा गुजरात में और ये कब फाउंड हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा का फाउंडेशन ईयर कब क्या है ठीक है इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी 1908 1908 में ये आपको ध्यान रखना है और वड़ोदरा गुजरात जो है इसका हेडक्वार्टर है ये भी ये भी आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट जो बैंक आता है दैट इज बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ पे है इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? है ये इसके हेडक्वार्टर है मुंबई में मुंबई आप देख भी सकते हैं पे मुंबई लिखा हुआ है और ये कौन से ईयर में बना था ये बना था 1906 हंड्रेड सिक्स में सो तो आपको ये भी नोट करके रखना है और आप जो है यहाँ पे इस ऑफिशियल साइट का मैंने एड्रेस आपको दे दिया है आप यहाँ पे जाके नोट डाउन कर सकते हैं या फिर वीडियो के बीच में ही आप राइट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को नेक्स्ट जो बैंक आता है थर्ड बैंक जो है पब्लिक सेक्टर बैंक मीन सरकारी बैंक जो है वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और जो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र है इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसके हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में कहाँ पे है पुणे में महाराष्ट्र के पुणे में इसके हेडक्वार्टर है और ये बना कब था ये बना था नाइनटीन हंड्रेड थर्टी फाइव में ये बना था ये भी आपको नोट करके रखना है नेक्स्ट जो बैंक आता है डेट इज कैनरा बैंक कैनरा बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसके हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और ये बना कब था ये बना था 1906 में 1906 में ये बना था ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के लिए अक्सर ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं कि वॉट इज़ द फाउंडेशन ईयर ऑफ कैनरा बैंक मीन्स जो कैनरा बैंक था वो कब स्थापित किया गया था कब उसका गठन हुआ था तो आपको के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स के लिए सभी एग्ज़ाम्स में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे भी पूछा जाता है वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ कैनरा बैंक फॉर एग्जाम्पल सो बेंगलोर इज़ द राइट आंसर ठीक है तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसके हेड क्वार्टर कहाँ है इसका फाउंडेशन ईयर कौन सा है और इनमें से कोई चार ऑप्शन आ जाएंगे उनमें से आपसे पूछ लेगा कि कौन सा पब्लिक पब्लिक सेक्टर बैंक है या नहीं है तो आपको ये प्रिपेयर करना होगा नेक्स्ट बैंक जो आता है फिफ्थ बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर कहाँ पे है मुंबई में है और ये बना कब था ये बना था 1911 में ये बना था ओके okay, ये भी आपको नोट करना है नेक्स्ट जो बैंक आता है ये बैंक है इंडियन बैंक इंडियन बैंक के हेडक्वाटर कहाँ पे हैं ये है चेन्नई में ठीक है चेन्नई तो आप जानते ही होंगे कहाँ पे है तो चेन्नई में इसका हेडक्वाटर है और इसका फाउंडेशन ईयर जो है वो है 1907, 1907 में बना था नेक्स्ट जो बैंक हमारा आता है ये है इंडियन ओवरसीज़ बैंक इंडियन ओवरसीज़ बैंक के भी हेडक्वाटर चेन्नई में है और इसका जो फाउंडेशन ईयर है स्थापना जो स्थापना कब की गई थी इसकी 1937 में उन्नीस में इसकी स्थापना की गई थी नेक्स्ट जो आता है ये है पंजाब नेशनल बैंक पंजाब नेशनल बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पे है न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना कब की गई थी 1894 में अठारह में, में इसकी स्थापना की गई थी ये भी आपको नोट कर लेना है नेक्स्ट जो है नेक्स्ट बैंक जो है ये कौन सा है ये है पंजाब एंड सिंध बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये भी न्यू दिल्ली में है हेडक्वार्टर इसके पंजाब एंड सिंध बैंक के और ये कब बना था ये बना था 1908 में ये भी आपको नोट कर लेना है नेक्स्ट जो बैंक आता है डेट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है मुंबई में है इसके हेडक्वार्टर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के और ये बना कब था 1919 में ये बना था ये आपको नोट कर लेना है फाउंडेशन ईयर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नेक्स्ट जो बैंक आता है डेट इज यानी कि यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक इसकी फुल फॉर्म क्या है इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक ओके यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक ये आपको लिख लेना है नोट करके यूसी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक और ये बना कब था ये बना था 1943 में ठीक है 1943 में यह बना था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर है आपको ये भी ध्यान रखना है नेक्स्ट जो है नेक्स्ट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये मुंबई में है और इसका फाउंडेशन ईयर कौन सा है 1955, ठीक है फाउंडेशन ईयर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1955 में ये बना था हेडक्वाटर्स का मुंबई है अब मैं आपको करंट अफेयर से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन दे देती हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड दैट इज कि लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है सबसे बड़ा जो सरकारी बैंक है वो कौन सा है दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो एस है वो सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है अब फिलहाल में जो रिपोर्ट रिलीज हुई है उसके अकॉर्डिंग सो so, ये करंट का सब्जेक्ट हो गया यहाँ से और नेक्स्ट जो है सेकंड फर्स्ट तो ये हो गया एसबीआई अब सेकंड लार्जेस्ट की बात आती है सेकंड लार्जेस्ट बैंक जो है सेकंड लार्जेस्ट बैंक कौन सा है दैट इज़ इंडियन ओवरसीज़ बैंक आपको दिख भी रहा होगा ये रहा इंडियन ओवरसीज़ बैंक आई ये क्या है सेकेंड लार्जेस्ट बैंक बन चुका है पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि सबसे बड़ा दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा सहकारी बैंक है सरकारी बैंक है वो कौन सा है इंडियन ओवरसीज़ बैंक तीसरे नंबर पर कौन सा बैंक आता है तीसरे नंबर पर बैंक आता है पंजाब नेशनल बैंक तीसरा नंबर इसका चला गया थर्ड रैंक पे क्या है सबसे जो थर्ड रैंक पे आता है पंजाब नेशनल बैंक आता है और फोर्थ रैंक पे कौन सा आता है बैंक ऑफ बड़ौदा जो मैंने फर्स्ट नंबर पे पढ़ाया था आपको बैंक ऑफ बड़ौदा ये रहा ये क्या आता है ये फोर्थ नंबर पे आता है तो सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक का जो ऑर्डर है वो क्या है सबसे बड़ा एस फिर इंडियन ओवरसीज बैंक फिर पंजाब नेशनल बैंक एंड देन बैंक ऑफ बड़ौदा I hope this will be helpful for you. So, thanks for watching this video. Bye bye, and have a nice day.